हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे सभी स्टूडेंट जो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है, यहां से PhD करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि इसके नोटिफिकेशन जो आ चुका है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाएंगे, आपको IISc सर्च करना है। जब आप IISc सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का ये होम पेज दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर एडमिशन वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें आपको अनाउंसमेंट्स में जाना है। जब आप अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक मूव करता हुआ लिंक जिस पर लिखा हुआ है मिड ईयर एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये इसका PDF है, इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये एकेडमिक सेशन जनवरी 2025 के लिए है, ठीक है, और जो आपका प्रोग्राम रहेगा वो 2024-25 का होने वाला है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम, दूसरा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एट IISc। यानी कि दो तरह से आप कर सकते हैं, एक रेगुलर वाला है या रिसर्च प्रोग्राम है, और दूसरा एक्सटर्नल यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह के लोग जो PhD करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ रिसर्च, सेलेक्शन प्रोसीड्योर एंड अदर डिटेल्स अवेलेबल एट सेपरेट लिंक ऑन IISc वेबसाइट। तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप जाकर के और डिटेल्स जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो आप वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एप्लीकेंट पजिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बट एक्सपेक्ट टू कम्प्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री लाइक एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट डिजर्टेशन वायवोसे ETC बाई 1 जनवरी 2025 एंड कैन फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट ऑन एंड बिफोर 31st March आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जैसे जो एलिजिबिलिटी अभी नीचे मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो एलिजिबिलिटी आपके पास में अभी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मार्च 2025 से पहले पहले आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, तो आप भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि एक लाइन में कहा जाए कि जो रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च प्रोग्राम जो PhD का है रेगुलर बेसिस पर उसकी। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स हैं तो आपका PhD इन साइंस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी में हम बात करें तो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल रिसर्च, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल एंड अप्लाइड फिजिक्स, ये आपके यहाँ पर साइंस एरिया में सब्जेक्ट रहने वाले हैं। वहीं आपका जो है दूसरा है PhD इन इंजीनियरिंग फैसिलिटी, इसमें आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेज। ये आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो आपका फील्ड है उसमें ये सब्जेक्ट या जो एरिया है रहने वाले हैं। PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, इसमें आपका एनर्जी ऑफर्ड बाई इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, साइबर फिजिकल सिस्टम ऑफर्ड बाई रॉबर्ट बोच सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम एंड ब्रेन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेज, ये आपके तीन मेनली जो मेजर फील्ड्स हैं जो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एप्लीकेंट्स पजेसिंग ए मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिग्री एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि देखिए मैक्सिमम जगह पे क्या बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सेकंड क्लास या उसके इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग डिग्री की बात करते हैं तो कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंसेज, उनके पास में वैलिड GATE होना चाहिए या फिर नेट JRF, ये मैंडेटरी है, ये आपके पास में होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स,
ऑपरेशंस रिसर्च कंप्यूटर साइंसेज एप्लीकेशंस, ये अगर आपके पास में अगर क्वालिफाइंग डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपके पास में गेट स्कोर या फिर नेट जीआरएफ होना मैंडेटरी है। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर फार्मेसी वेटनरी साइंसेज, इसके साथ में डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर कार्ड या फिर नेट जीआरएफ या फिर जीपैड, अगर इनमें से कोई आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्सेज विद ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम एनी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग IIT IIIT इन PPP मोड विद ए मिनिमम CGPA ऑफ 8 out of 10 और इसके इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल में है आपका गेट स्कोर होना चाहिए या फिर नेट जीआरएफ आपके पास में होना चाहिए। MBBS MD MDS Pharm D ये स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। डिजायरेबल में है आपका गेट या फिर नेट जीआरएफ का स्कोर कार्ड। BPharm वैलिड GPAT स्कोर होना चाहिए या फिर नेट जीआरएफ जो है वो मैंडेटरी है। BE BTech इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय MOE UPSC AICTE फॉर एग्जांपल AMIE बाय इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंजीनियरिंग। नोट में कुछ पॉइंट दिया इसको जरा हम देख लेते हैं। कैंडिडेट इनरोल्ड अप टू 31/5/2013 विद प्रोफेशनल सोसाइटीज एग्जांपल AMIE रिकॉग्नाइज्ड बाय MOE आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये कंडीशन रख दी है कि अगर आपको यहाँ पर आपका इनरोलमेंट इस तक है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। वैलिड गेट स्कोर नेट जीआरएफ इज मैंडेटरी, यानी कि आपके पास में होना जरूरी है। मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस केमिकल साइंसेज फ्रॉम IISc विद ए मिनिमम CGPA ऑफ 8.5 और इक्विवेलेंट फॉर PhD ओनली। तो PhD के लिए यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन कर दी गई है। इसके साथ में आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर नेट जीआरएफ ये आपके पास में होना चाहिए। नो मिनिमम कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है। नोट में है द गेट जीपैट नेट जीआरएफ अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन 1 जनवरी 2025, यानी कि जो आपका सेशन है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। तो आपका जो ये ऊपर डिग्री की बात की गई है, जो आपके नेशनल एग्जाम्स हैं इनकी वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट की है वो 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए, उससे पहले ये वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेट जीआरएफ इंक्लूड्स जॉइंट CSIR UGC फॉर जीआरएफ UGC नेट जीआरएफ DBT जीआरएफ ICMR जीआरएफ JEST NBHM रिसर्च अवार्ड या फिर इंस्पायर फेलो हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ टू बी एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू नेट जीआरएफ मोड। अगर आप इस मोड से अप्लाई करना चाहते तो आपके पास में जीआरएफ होना जरूरी है। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड प्रोफेशनल इंस्पायर ऑफर फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन एट लेवल 2 ऑफ द सिलेक्शन इशूड बाई DST एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपके पास में जो इंस्पायर का प्रोफेशनल जो प्रोविजनल जो आता है वो आपके पास में होना जरूरी है लेवल 2nd पर या फिर इंटरव्यू के टाइम पर जो DST द्वारा इशू किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी, यानी कि जिसको JEE BILS बोलते हैं, इसके फॉर्म अभी आए हुए हैं, ये टिफर द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कैंडिडेट हु वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हेल्ड इन मई 2024 इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड डिपार्टमेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अगेन। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने मई 2024 में इंटरव्यू दिया हुआ था तो उन स्टूडेंट को भी मौका दोबारा दिया जा रहा है कि वो इस फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात करते हैं तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द जो आपका नेट का एग्जाम है और द क्वालिफाइंग डिग्री एज डिटेल इन द अबव टेबल, जो ऊपर टेबल में मेंशन किया गया था कौन सी क्वालिफाइंग डिग्री है। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विल प्रीसीड द फाइनल इंटरव्यू। तो आपको ये सारे चीज़ ध्यान में रखना है, आपका नेट जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर या फिर जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो दूसरा मोड था उसकी हम बात करते हैं तो ERP इज मेड फॉर प्रोफेशनल फ्रॉम R&D ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज एंड फैकल्टी मेंबर फ्रॉम इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल फार्मास्यूटिकल वेटनरी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज बाई ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी। तो आप यहाँ पर दूसरे मोड से PhD के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, तो द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिमेन द सेम एज फॉर द रेगुलर कैंडिडेट।
तो यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट की तरह सेम रहने वाली है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफाइंग इन वन ऑफ द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लाइक CSIR, UGC NET JRF, UGC NET JRF, DBT JRF, ICGMRF, ICGRF, ICMR JRF, GATE, NBHM is desirable but not mandatory. Desirable है लेकिन mandatory नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। Further, the candidate should have completed 2 years of full-time employment in the current organization. After completion of degree, the candidate must be officially sponsored by their employing organization and compulsorily fill in an online application form and submit the printed version in duplicate on or before 30 October 2024. ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले ये आपको यहाँ पर जो भी बोला गया है वो आपको सबमिट कर देना है। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, या जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको आसानी होगी इसको चेक करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है वो आपका बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस इन दी इंटरव्यू, ये आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा ये सेकंड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, यानी कि जो ERP प्रोग्राम है उनके लिए ये बात की जा रही है। हाउ टू अप्लाई, अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो वेबसाइट है यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए होम पेज पर गए, यहाँ पर आपको एक मिनट, ये जब आप वेबसाइट पर जाएंगे क्लिक करके तो यहाँ पर देखिए एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है, PhD वालों का नहीं दिया। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो जो ये कुछ इस तरह का ही आपका लिंक खुलकर आएगा, जो ये मिड ईयर एडमिशन 2024 का दिखा रहा है, यानी कि लास्ट सेशन का दिखा रहा है, इसी तरह से जो 2025 सेशन के लिए अभी आएगा वो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो आपकी वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए वो 1/10/2024 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट जो है वो आपकी फॉर्म को फिल करने की वो 24/10/2024 है, रात के 11:59, यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप उसको फिल कर सकते हैं, यानी कि आपको केवल 24 डेज का ही टाइम दिया जा रहा है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर ERP, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वाले स्टूडेंट है या उनके लिए है, तो उनकी 30/10/2024 है। वो हार्ड कॉपीज वगैरह जो भी उनको सबमिट करना है वो 30/10/2024 तक सबमिट कर दें। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं तो जो आपका इंटरव्यू है वो 18/11/2024 से लेकर के 20/11/2024 के बीच बीच में होगा, और जो आपका सेशन जो स्टार्ट है वो 1 जनवरी 2025 से आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, तो कैटेगरी जनरल OBC और EWS के लिए ₹800 आपका फॉर्म का रहने वाला है, SC ST और जो PWD के कैंडिडेट है उनके लिए ₹400 है, और जो ERP के जो कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनकी यहाँ पे फीस जो है वो ₹2000 रखी गई है। द फीस इज नॉन रिफंडेबल इन एनी बैंक और पेमेंट गेट वे सर्विसेज चार्जेस मस्ट बी ऑर्डर बाय द एप्लीकेंट, यानी कि जो भी आप किसी भी मोड से आप पेमेंट करेंगे तो जो भी सर्विस चार्ज वगैरह लगेगा वो आपको देना होगा। पेमेंट ऑप्शन में आपका ऑनलाइन पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, ये 3-4-5 ऑप्शन जो भी है वो सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। एक पॉइंट दिया गया है, रिसेंट अपडेट्स के लिए आप IISc की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, जो भी आपकी जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रिजर्वेशन जो है वो SC ST OBC या EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से और रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम या कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।